Hey guys, welcome back my YouTube channel. Guys, आज के इस वीडियो में वापस से मेरे पास में है Realme Buds Wireless जो कि मैंने मीशो की तरफ से मंगवाया है only for 300 रुपए में, और इसके साथ में आज मेरे पास में है ये चीज। ये देख के आपको अंदाजा लग चुका होगा कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इस Realme Buds Wireless को अंदर से खोल कर भी देखेंगे कि इसके अंदर हमको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती है, कि 300 रुपए वाला सामान भी इसके अंदर फिट किया हुआ है या नहीं। क्योंकि इसका जो ओरिजिनल पैकेज है वो 1800 रुपए का आता है, जो Realme Buds Wireless ओरिजिनल है वो 1800 का आता है, ये मुझे ओनली फॉर 300 रुपए का मिला है। तो हमको देखना है कि यार 300 रुपए में भी ये वर्थ है या नहीं, 300 रुपए वाली चीज भी इसके अंदर फिट हो रखी है या नहीं, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं चेक करूंगा। सारा कुछ इसका ऑपरेशन हम करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि क्या क्या चीजें हमको इसमें देखने के लिए मिलती है। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये है हमारे पास में Realme Buds Wireless जो कि मैंने मीशो की तरफ से मंगवाया है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पैक अभी ये पड़ा है, बिल्कुल एक्यूरेट कंडीशन में। तो अपन इसको खोलते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको इसमें देखने के लिए मिलती है, क्या 300 रुपये की जो चीज़ें हैं इसके अंदर लगी हुई है या नहीं। तो मैंने बॉक्स ले लिया है अपना टूल किट, तो मैं इससे बाहर निकाल देता हूँ और इससे मैं इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ। तो ये तो बिल्कुल भी नॉर्मल है, ये तो वैसे ही ओपन हो जाएगी, कोई ज़्यादा वो वाली बात नहीं है इसमें। तो देख सकते हैं कि आपने इसको ओपन कर लिया है, ओपन करने के बाद में ऐसी चीज़ हमको इसमें देखने के लिए मिली है। आप देख सकते हैं कि एक इसमें बैटरी मिल रही है और बैटरी के साथ में एक छोटा सा चिप यहाँ पर यूज़ किया गया है। आप ये नहीं पता ये किस कारण का है, किस काम का है, ये मुझे नहीं पता, बस एक छोटा सा चिप इसमें यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर जो क्वालिटी है, जो वायर क्वालिटी है, आप देख पा रहे हैं कि कैसे इसमें यूज़ की गई है। तो और जो वायर है आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको यूज़ किया गया है। अगर हम थोड़ा सा बहुत खींच देंगे ना तो ये इससे बाहर आ जाता है। तो एसी वाली कंडीशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। भले ही मैं अभी इसको वापस से पैक कर देता हूँ और इस तरफ वाली को हम खोल के देखते हैं, तो गाइस आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हमको यहाँ पर मिल रही है। वापस से पैक हो गया, ये लो जी, ये लो, ये वापस से कंप्लीट हो चुका है। अब इस वाले की तरफ अपन खोलते हैं कि इसमें हमको क्या मिलता है, क्योंकि यहाँ पर इसमें पूरा इसमें बटन वगैरह सिस्टम है। तो मे बी हो सकता है कि इसमें आपको जो बड़ा वाला चिप आता है वो इसमें अपन को देखने के मिले, क्योंकि इसके अंदर अपन को सिर्फ बैटरी देखने के लिए मिली है, इसके सिवा इसमें कुछ भी नहीं मिला है। और अगर इस तरह की बात करें तो इधर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर माइक भी मिल रहा है, बटन्स भी मिल रहे हैं, चार्जिंग पोर्ट भी मिल रहा है। तो हो सकता है कि इस तरफ इसमें आपको बड़ा चिपसेट देखने के लिए मिले। तो मैं इसको भी बाहर निकाल लेता हूँ, इसको भी मैं खोल लेता हूँ। तो ये भी इधर से आराम से खुल गया है, मुझे कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ी है। लेकिन आप देखेंगे जो Realme का जो ओरिजिनल बड्स है उसमें ऐसा खोलने वाला सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको उसमें मेटल मिलता है। तो इस तरफ आपको कुछ भी नहीं मिलता है और इस तरफ आपको एक चिप मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस तरफ आपको एक बड़ा चिप मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको बड़ा चिप मिल जाता है, यहाँ पर आपको जो बटन मिलते हैं तीन, एक बटन यहाँ पे, एक बटन यहाँ पे, एक बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है। इधर आपको माइक मिल जाता है, इधर आपको एलईडी मिल जाती है जो कि जो ब्लिंक करती है, वो वाली एलईडी आपको मिल जाती है, ये वाला माइक आपको मिलता है। पीछे की तरफ हम बात करें तो गाइस पीछे की तरफ कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आपको ये चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है जिससे कि आप ये बड्स को चार्ज करते हैं। इसके सिवा इसमें कुछ भी नहीं है और बाकी इसमें आप देख सकते हैं कि वायर वगैरह लगाई हुई है आराम से, कोई ज़्यादा वो सॉकेट नहीं किए गए हैं, एक अच्छे तरीके की लगाई गई है। लेकिन यहाँ पर जो वायर का झमेला दे रखा है ना वो बहुत ख़राब दे रखा है। अगर मान लो कि जोर से कहीं फंस के निकल भी जाता ना तो यहाँ से उसकी शोल्डिंग टूट सकती है और आपका जो TWS है या फिर जो भी नेकबैंड वगैरह है वो ऐसे ख़राब हो सकते हैं। तो गाइस ये चीज़ें हमको इसमें देखने के लिए मिलती है। और नेक की बात करें तो गाइस आप देख सकते हैं कि नेक का सीन भी यहाँ पर दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर अगर देख पाओगे तो नेक का सीन भी यहाँ पर मिलता है। ये पूरा प्लास्टिक नेक आपको मिलता है, जबकि जो ओरिजिनल बड्स है उसमें प्लास्टिक का बड्स आपको नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें इसमें हमको देखने के लिए मिलती है। अगर आप बात करोगे कि बड्स में इसको भी अपन खोल के देखें तो इसमें अंदर गाइस तो क्या ही मिलेगा, क्योंकि ये ईयर टिप्स है, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, ये जो सपोर्ट के लिए है, और इसके अंदर मिलेगा ही क्या, इसके अंदर ओनली फुल स्पीकर हमको मिलेगा। तो इसको खोलने की ज़रूरत है नहीं और ये खुलेगा भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड ग्लू से चिपका हुआ है, तो इसको हम खोलेंगे नहीं। और बाकी आपके पास में है ये जो Realme Buds आप देख पा रहे हैं, ये चीज़ें आपके सामने हैं। तो ऐसी मिलती है मीशो की तरफ से क्वालिटी जो कि आप देख पा रहे हैं 300 रुपये वाली Realme Buds Wireless के अंदर। और अगर मैं ओरिजिनल की बात करूं तो वो तो चीज़ ही अलग है। अगर आप लेना चाहते हैं तो वैसे ओरिजिनल ही लीजिएगा, मीशो से आप ऐसे प्रोडक्ट मत लीजिएगा, क्योंकि सब चीज़ें आपके सामने हैं। तो मैं इसको वापस से पैक करता हूं और इसको रिटर्न के लिए रेडी करता हूं, क्योंकि मेरा रिफंड रिटर्न के लिए मैंने अप्लाई कर दिया था, तो शायद आज या कल मेरा प्रोडक्ट वापस से रिटर्न के लिए जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो गाइस जैसा कि आपने देखा Realme Buds Wireless जो कि ओनली फॉर 300 रुपए में मिली है, उसमें ज्यादा से ज्यादा 50 से 70 रुपए का सामान फिट होगा,
बाकी कुछ भी चीजें उसके अंदर नहीं है। तो गाइस आपसे बस यही विनती है, मैं चाहता हूं कि आप एक गलत प्रोडक्ट लेके अपना पैसा बर्बाद ना करें, इसीलिए मैं इस चीज को इतना घसीट रहा था। पहले अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई, फिर मैंने इसका कंपैरिजन किया, फिर थर्ड में इसको मैंने खोल के दिखाया। तो मैंने इसीलिए दिखाया था कि आप एक गलत प्रोडक्ट ना ले ले और अपना पैसा बर्बाद ना कर ले। तो गाइस आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देके एक अच्छा सा नेकबैंड लेना है, ऐसी चीजों में आपको नहीं फंसना है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो से सारा कुछ समझ गए होंगे। और देखते हैं इस प्रोडक्ट का हम क्या करते हैं, वापस से मैं रिटर्न करूंगा, क्योंकि मैं इसका करूंगा भी क्या, क्योंकि 300 रुपए का प्रोडक्ट है, कुछ चीज दूसरी मंगवाएंगे उसको यूज करेंगे, या फिर देखते हैं कि क्या करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।